देखी। और ये सब मामला जो समझ में आया देखने के बाद, सर्वे करने के बाद, तो जहाँ से यह हादसा शुरू हुआ वहाँ पे MSEB के मीटर की तरफ से जो लापरवाही हुई है, जो वायरिंग क्रॉस कनेक्शन हुआ है, उसकी वजह से यह हादसा हुआ है, ऐसा सबका भी कहना। और मैंने भी जो मीटर की कंडीशन देखी, वहाँ की वायरिंग देखी, तो यही बात समझ में आती है। इसमें MSEB का भी सदोष है, उनकी तरफ से भी जितनी मदद हो सके उन्होंने यहाँ आके मदद करनी चाहिए। ये सभी जितने भी पीड़ित है उनकी तरफ से और मालेगांव की आवाम की तरफ से और बारा बलौती तहत की तरफ से MSEB की तरफ ये मांगनी करता हूँ कि जितनी जल्दी से ज़्यादा मदद हर एक पीड़ित को करना चाहिए और करनी पड़ेगी। जब ये नहीं हुआ तो सबके साथ सलाह मसलत करके धरना आंदोलन भी आगे जाके करेंगे, यही बात करता हूँ। और मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी की तरफ दूसरी बात, मैंने यहाँ सर्वे करते वक्त जो देखा है तो सरकारी काम आने 12 महीने थाम मराठी में, तो ऐसा ही होगा। मैं ये आपके माध्यम से सरकारी कार्यालय को, शासन को, प्रशासन को नम्र निवेदन करता हूँ कि तुम यहाँ आके आओ। आज 4-5 दिन हो गए फिर भी बड़ी बूढ़ी माँ, बूढ़े बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे अंधेरे में बैठे हैं, ठंडी का मौसम है और बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। तीसरी बात, मैं यही बात बोलूँगा कि जिनकी रोजी रोटी थे, बहुत बड़े बुजुर्ग जो माताजी थे वो सिलाई काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। मैं ज़्यादा नहीं, या जो दो चार जो सिलाई मशीन थे उनकी रोजी रोटी खत्म हुई है। मैं शफीक भाई, जाबिर भाई, साबिर हाजी, हम सब मिलके ये थोड़ा सा उनका घर का मामला साफ सुथरा हो गया कि उनकी रोजी चालू करने के लिए मैं मेरी तरफ से जो 3-4 मशीन है सिलाई मशीन, उनकी रोजी रोटी बारा बलौतीदार की तरफ से लेके दूंगा। मैं माने रहीम, राम रहीम का, भगवान का, अल्लाह ताला का नाम लेके बात को रखता हूँ। 22-23 तारीख की रात को जो अपने मालेगांव में आयशा नगर में जो हादसा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक हुआ। बहुत सारे गरीब लोगों की, कम से कम 20-25-40 लोगों की घर और झोपड़ी जल के खाक और निस्तनाबूत हो गई। बेचारे सब परिवार रास्ते पे आ गए, खाने का और जीना आवश्यक जो भी वस्तु है, घर में का सामान है, सब जल के खाक हो गया। ये 2-3 दिन पहले मेरे को शफीक एंटी साहब, जाबिर भाई, इनकी तरफ से मालूमात पड़ी। मेरे यहाँ भी थोड़ा सा कार्यक्रम था, नामको बैंक का चुनाव चल रहा था, मैं रुका था, फिर भी वहाँ जाके विजिट करने से ज़्यादा या आके कुछ तो भी देख के जाना ये मैंने जरा मुनासिब समझा। इसीलिए हम सब जिम्मेदार, हमारे बारा बलूतीदार राम रहीम का हॉस्पिटल हमने जब चालू किया था तब साबिर भाई थे, इजाज भाई थे, शफीक एंटी साहब थे, अभी जाबिर भाई है, तो हमारी बारा बलूतीदार की जो कमेटी है तो क्या करना चाहिए। तो आज इनको पहले अभी वो रास्ते पे आ गए, उनका खाना पकाने का जो कोई सामान सामग्री है वो नहीं है तो वो पहले देनी चाहिए। तो हमने सब तैयार करके आज 25 लोगों का जो नुकसान हुआ है उनके पास कुछ बचा नहीं है, उनके लिए खाना पीना का, जो पकाने का, नहाने का, धोने का जितना भी बर्तन है वो सब बर्तन, बात का भी सेट, वो सब बर्तन लेके यहाँ पे आए हैं और उनको एक छोटी सी मदद देने का प्रयास किया है। बारा बलौतीदार हमारा जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन हमेशा जात पात धर्म ना देखते हुए सब गरीब की खिदमत करता है। पीछे जब कोरोना का टाइम था तब हमने राम रहीम हॉस्पिटल निकाला था, रमजानपुरा में जब बड़ा हादसा हुआ तो तुम्हारी, हमारी, अपने मालेगांव की बेटी, मेरी लड़की प्राजक्ता का जब शादी हुई तब 14 लोगों को वहाँ के उनके घर बनाने के लिए 12-13 लाख रुपए दिए थे और घर बनवाने में बड़ा सहयोग दिया था। उससे पहले भी नवकिरण साइजिंग के पास हादसा हुआ था, वहाँ भी हम आके सहयोग किया था, वो 4 साल पहले। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, ये कोई राजकारण नहीं, ये हमदर्दी है और गरीब के लिए जो जज्बात है वही है। जो बोलते हैं ना कि सबसे ताकतवर तो लोहा होता है, वो सबको काट देता है, लोहे से भी ताकतवर आग होती है, वो लोहे को पिघला देती है, आग से भी ताकतवर पानी होता है, वो आग को भी बुझा देता है, वो पानी से भी ताकतवर इंसान होता है, वो पानी को भी पी जाता है, और इंसान से ताकतवर मौत होती है, वो इंसान को भी खा जाती है, और मौत से भी ताकतवर
दुआएं होती है, जब कोई संकट और मौत आती है तो दुआएं उसको टाल देती है। हम बारा बलूतीदार शफीक भाई, जाबिर भाई, साबिर भाई और मेरे तरफ के ये स्वप्निल भाई, कमलाकर पवार, सुरेश जी शेलार, हम सब मिलके दुआएं कमाने का काम करते हैं, आशीर्वाद और पुण्य कमाने का काम करते हैं। इसमें ये छोटा सा सहयोग हम नहीं, जो भी करता है तो ऊपर वाला अल्लाह ताला भगवान करता है। भगवान ने हमारे हाथ से नेक काम कर लिया, बातें करने से ज़्यादा वा ज़्यादा जो देना है वो दे के जाने का यही मंसूबा लेके आए। हमने कुछ किया नहीं है, ये अल्लाह ताला के आशीर्वाद से देने का काम किया है। इतनी बात कहता हूँ, अपने मालेगांव के लीडर, आवाम सब अच्छी है। ये हादसा होना नहीं चाहिए था, फिर भी मैं बोलूँगा कि इस हादसे में से अच्छा ये देखना है कि किसी की जान गई नहीं। अल्लाह ताला ने और ऊपर वाले ने और भगवान ने किसी को जान दी, जान को जोखिम में डाला नहीं, किसी को तकलीफ हुई नहीं। सर सलामत तो पगड़ी हजार, जान जान है तो जा है। आप उन सब मिलके ये भाइयों के साथ है, इनका संस्कार आगे जाके सब मिलके हम और इधर के मालेगांव के सुन्नी जमियतुल उलेमा है, रजा एकेडमी है, इन सबको साथ में लेके हमारा बारह बरूतदार लेके जैसे रमजानपुरा में मकान बनाए, इनके भी मकान अच्छे से बना देंगे। और ये शक्ति आप उनको अल्लाह ताला भगवान राम रहीम देंगा, यही प्रार्थना उनको करता हूँ। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी मीडिया वाले मालेगांव के यहाँ पे आए, बात समझ में आई तो कम से कम होलसेल ऐसे खरीदी करने गए तो 9000 से 10000 को जैसे दुकान है वैसे रेट लगाते, कम से कम 8-9 हज़ार के पास वो बर्तन जाते हैं। तो उन्हें खाना खाने का भी है, खाना पकाने का भी है, पानी पीने का भी है, नहाने का भी है, बाथरूम का भी है, बाल्टी भी है, सब जो चीज़ रहती है। और 6-6 लोगों के 6 ताट, 6 तांबे, 6 ग्लास, 6 ताटली, 6 बाल्टी, ऐसे सब 6-6 और सब परिवार को जो जितना मुनासिब है उतना सब बड़े दिल करके हम सब इकट्ठा होकर बारह बलूतदार के माध्यम से सब सामान लाया है। कम से कम 2.5-2 लाख का सामान है होलसेल में। आयशा नगर जो 2-3 रोज पहले यहाँ पर आग लगी थी, उस जगह पर आकर यहाँ पे दौरा किया और उन्होंने एक संकल्प लिया था हम लोगों के साथ, उन्होंने हमारे जो ग्रुप के सदस्य हैं उनके साथ मीटिंग करी और मीटिंग करके उन्होंने हमसे पूछा कि यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है जो तत्काल में हम उनकी मदद कर सकते। तो हम लोगों ने, हमारी टीम के हाजी साहब, मैं, जाबिर भाई और बकिया सभी लोगों ने हमने मशवरा दिया काका को कि काका उनके बर्तन भी जलकर खाक हो चुके हैं। तो काका ने कहा कि ठीक है, उनके बर्तन जो जितना भी सट लगता है उतना सट हम लोग बनाकर उन लोगों को पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। और वो काम हम लोग वहाँ जाने के साथ साथ हम खाली विजिट नहीं करेंगे, हम लोग वो चीज़ वो सामान को साथ में लेकर जाएंगे और वो सामान हम लोग उन लोगों को दे देंगे। मैं मालेगांव शहर के सभी जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि सोए गांव से बंडू काका आकर ये चीज़ उनको यहाँ पर आके उनका मतलब जो भी उन्होंने किया, एक उनके दिल में एक किरण जागी। यहाँ पर जो लोग परेशान हैं, हम लोगों ने उन लोगों के हालात देखे कि उनके घर में सब कुछ जल चुका है, उनके घर में ना खाने के मामलात है, ना सोने के लिए जगह है, ना पहनने के लिए उन लोगों को कपड़े हैं। हम मालेगांव के सभी सोशल वर्कर, हम पहले तो बंडू काका का शुक्रिया अदा करते हैं कि बंडू काका ने हमारी बात पे लब्बैक कहा और इस तरीके से उन्होंने आकर यहाँ पर लोगों की मदद की। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर आने के बाद देखे तो देखने के बाद यहाँ की जो हमारी माँ बहनें हैं उन लोगों ने हमसे कहा कि उनका सामान भी बाकायदा यहाँ से चुरा लिया जा रहा है। तो खुदा के वास्ते अगर वो मुसीबत ज़्यादा है, मुसीबत में है, तो उनकी मदद हम लोगों को करनी चाहिए, ना कि उनके घर से हम लोगों ने सामान चुरा कर यहाँ से लेकर जाना चाहिए। कई सिलेंडर यहाँ से चोरी हो चुके हैं। और उसके अलावा हम लोग ये चीज़ बोलते हैं कि उनकी रोटी रोजी के मामला थे जो अभी बंडू काका ने लिए 4-5 दिन में, जो 5 लोगों के किट बच चुके हैं कि 5 घरों में किट यहाँ पर नहीं दिए गए, तो वो लोग धीरज रखे, सब्र रखे, इंशाल्लाह वो 5 किट भी आप लोगों के पास आएंगे। और जो काका ने सिलाई मशीन का वादा किया वो भी इंशाल्लाह हम लोग 2-4 दिन में एक दौरा करेंगे और वो भी आप लोगों तक पहुँचाएंगे। और काका के ज़रिए और मालेगांव के सोशल वर्करों के ज़रिए हम लोग ये ऐलान करते हैं कि खुदा के वास्ते इन लोगों की मदद करो। 4-5 दिन हो चुका है, अभी तक इनके घर पे कोई ऐसी मदद नहीं आई है, ये पहली मदद है। यहाँ के माँ बहनों का कहना है कि ये पहले काका ने आके हम लोगों को भरोसा दिलाया तो अब हमारी जान में जान आई। उन लोगों ने काका के सर पे हाथ रख के बहुत सारी दुआएं भी दी
तो ये चीज़ मैं मालेगांव शहर वालों को, जो अल्लाह ने जिनको नवाजा है, वो खुद आए यहाँ की कमेटी के जिम्मेदारान से मिले और उन लोगों को जो मदद देना चाहते हैं वो मदद करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।